जानिए रेखा को कैसी मिली फिल्म उमराव जान। हिंदी सिनेमा में फिल्म निर्माताओं ने कई बार जोखिम भरा कदम उठाया है। हालांकि फिल्मी जानकारों तब उस कदम को सही नहीं मानना था, पर फिल्म निर्माताओं के विश्वास ने कई बार उसे गलत भी साबित कर दिया था। कुछ ऐसा ही हुआ था फिल्म उमराव जान के साथ भी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये फिल्म मिर्जा हादी रूसवा के 1905 में लिखे उपन्यास उमराव जान अदा पर आधारित थी, जिसका बैकग्राउंड खालिस उर्दू था। ऐसे में इस फिल्म के कलाकारों का चयन एक जोखिम भरा था। फिल्म निर्देशक मुजफ्फर अली ने जब इस फिल्म को बनाने की सोची तो अभिनेत्री रेखा को साइन कर उस वक्त के फिल्मी पंडितों को चौंका दिया था। दरअसल रेखा को उस वक्त कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई थी, और तो और रेखा का असेंट भी साउथ इंडियन था। उन्हें हिंदी भी ठीक से नहीं आती थी, उर्दू की बात को बहुत दूर थी। ऐसे में रेखा को अपनी फिल्म की लीड एक्ट्रेस बना मुजफ्फर अली सभी के निशाने पर आ गए थे। मुजफ्फर अली और रेखा दोनों को पता था कि इस किरदार के लिए बगैर उर्दू सीखे काम नहीं चलेगा। ऐसे में रेखा ने इस किरदार एक चैलेंज के रूप में लिया और कड़ी मेहनत कर उर्दू सीखा। इसके बाद ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी। ये फिल्म जब 1981 में सिनेमा पर्दे पर रिलीज हुई तो कमाल ही हो गया। फिल्म को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई और इस तरह से मुजफ्फर अली का रेखा पर दाम लगाना फायदेमंद साबित हुआ। रेखा को मुजफ्फर अली ने फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के एक गीत को देखकर साइन किया था, जिसमें रेखा कोठे पर मुजरा करती है। उमराव जान का किरदार भी कोठे से ही ताल्लुक रखता था। उमराव जान की कामयाबी ने रेखा को एक ग्रेड की अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया, तो मुजफ्फर अली भी नए प्रयोग वाले डायरेक्टर के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए।